que olvidar esos recuerdos? Another thing. Yes, I can see. Jamana, ven cuando te estaba en Jamana. अरे सुनो आज देखा कोई हो गया साहू का विश्वास और कल देखा तो हो गया कौड़ी कौड़ी का तबाह बिगड़कर कौन समझता है जमाना है जानू बदलता तुम्हारा तो पाए भाई उच्चारण की जमाना जयकारे से लागो संघाना आज तो विश्रेष्ठ आते हैं वो असली योद्धा है वो है राम नाम या भगवान की भक्ति जो कभी मिल जाए भागवत जी को और जहां राम यानी वहां कौन कभी वहां कभी कोई अभाव नहीं होता चलो आगे बढ़ते हैं ऐसा राम जो रसों में भी श्रेष्ठ रस है रस व्यक्ति को रस चाहिए क्योंकि ऐसे को ब्रह्म ये जो ब्रह्म है ना वो रस है निरस नहीं है लेकिन रसों में भी श्रेष्ठ रस कौन सा है तुमने कितने जूस पिए कितनी अचार खाए कितनी चटनी खाई दाल चावल रोटी लापसी हलवा सब रस लिए जिंदगी भर लेकिन इससे पूछो कि इतना तुमने रस लिया कोई रस तेरे पास टिका के नहीं अभी बोले ना रसना जी का नाम है रसना रस ना जिसके पास रस नहीं क्योंकि प्रॉपर जो रस है रसराज उसकी अनुप्राप्ति नहीं आपको इतना सुंदर भोजन दिया गया दाल चावल रोटी सब्जी खड़ी पकौड़ी चावल खाते खाते थोड़ी सी मिर्चा चाटना है मिर्चा के शौकी दो मेरी जीवित किया खा लिया मिर्चा तीखा नहीं है फेंक दिया दूसरा उसको खाया तीखा तो सोचिए ये रसना जो है रस की तलाश करनी है ना नहीं ना वो भी लाओ वो भी नहीं वो भी खाते तो वो लाओ खाया फेंकी दे दिया मक्खी की तरह कभी पाँव पर कभी सरसों कभी खाली पर कभी नाली पर किसी रस से इसकी कृति नहीं लेकिन जब रसराज परमात्मा के रस को मिल जाता है रसों में श्रेष्ठ नाम रस है नाम रस मीठा ये कोई पीवे चतुर सुधा नाम रस तो बलराम जी ने कहा कि ऐसा नाम जो अर्थों में भी श्रेष्ठ है अक्षरों में श्रेष्ठ है रसों में श्रेष्ठ है और छंद सारों भी जो छंदों में भी श्रेष्ठ काव्य जो कविता है वो वेद से लेकर क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है और ईश्वर की वाणी जो वेद है वो निराकार है शब्द का कोई आकार नहीं है हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हैं देख नहीं सकते जैसे कि आप हवा को अनुभव कर सकते हैं हवा को देख नहीं सकते मिर्चा के तीखापन को आप अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते फूल के सुगंधी को आप अनुभव कर सकते हैं देख नहीं सकते इसी तरह से छंद सातवीं जितने भी छंद हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ छंद कौन सा है कहते हैं कि भगवान की जो वाणी है वो वेद है अनादि है लेकिन उस वेद को हम तक पहुंचाने के लिए उस ब्रह्म की कृपा से ब्रह्म का एक अवतार हुआ उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन जिसका दूसरा नाम था व्यास और वही व्यास का हैप्पी बर्थडे हम जब बनाते हैं ना उसको कहते हैं व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहते हैं उसको तो वेद व्यास भगवान ने चारों वेदों की रक्षा की कहा बैठकर आपने याद कई बार भागवत की किताबों का कहना सुना होगा नैमिषारण तीर्थों का गुरु है यह है लखनऊ के पास छोटी सी जगह है वहां चक्रकूट है
receiver in my life. वहां पिता जब भगवान पराशर ऋषि के पुत्र भगवान वेदव्यास जिनके पुत्र में सुखदेव जी ये उन्होंने भागवत की कथा के परीक्षण के लिए तो व्यास भगवान ने चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषद यहां तक कि सब तरह की कथा तक वो भी ये सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध छंद के रूप में कविता को कहते हैं छंद तैयार किया उसके पहले से सब मेरा काम था जिसे मैं बोल रहा हूं हर शब्द का काम है लेकिन उसको आप देखते हैं तो शका बनता रहेगा तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो कविताओं में श्रेष्ठ कविता कौन सा है छंद सामग्री छंदों में भी श्रेष्ठ छंद क्या है जिस गाने में राम का नाम न हो वो गाना है गाना ना चाहिए जिस जगह पर अपना मान न हो उस जगह पर जाना ना चाहिए बड़ी भारी लंबी लाइन है इसलिए तो कविता श्रेष्ठ होती है कब जब उसमें ब्रह्म की उपस्थिति हो जाए तो उन्होंने कहा जितने भी छंद हैं उनमें जो श्रेष्ठ छंद है भगवत में क्या उसके नाम वेद हो पुराण हो श्रुति स्मृति हो या भागवत हो या रामायण महाभारत हम गुरु ग्रंथ की पूजा करते हैं अभी हमारे बेटी जी ने कुछ साल में आप सब ने मिल करके रामायण की पूजा की मैं जानता हूं कि कागज है पानी छिड़कूंगा कागज खराब हो सकता है लेकिन दिल नहीं मानता कि ये मेरे राम का विग्रह है साक्षात भगवान का स्वरूप है तो आप आरामी स्थापयामी फिर हमने उनको बुलाया इन्वाइट किया स्थापित किया फिर चंदन चावल को धूप दीप में से पूजन किया श्री राम जय राम क्योंकि कविता के रूप में साक्षात करता है तो तुलसीदास जी ने कहा छंद सामग्री और मंगल आना मंगल श्री राम जय राम है मंगल कार्य जैसे कि किसी घर में बच्चा हुआ ये मंगल हुआ ब्याह हो गया ये मंगल हो गया नए घर की ओपनिंग हो गई ये मंगल हो गया ये सभी मंगल क्या है लेकिन ये सब परमानेंट नहीं है जो बच्चा पैदा हुआ कल मर भी सकता है मरेगा कि नहीं बोलो जो सारी हुई है बैठना बताएगा वो तलाश भी हो सकता है जो घर हुआ है उसका मोर्टेज नहीं बना छोड़ भी सकते हो हर बधाई के पीछे ये टेम्पररी जो मोर्टेज न्यूज है ना अपने लिए उसके पीछे परमानेंट मंगल कौन है और मंगली में ना मंगलों का घर बोले मंगल भवन मंगल आप तो ऐसे गाड़ियों में जरूर रहे हो अरे आप इतना प्रसिद्ध जिए तो पाएंगे मेरा जो भूल है कि तो ये तो रेगुलरली सदा चली आई बटन में जाए पर खराब ना अरे खराब है तो बच्चों फिर ले जाओ क्या फिर मिलता है मिली मिलता हो गया सही बात है अरे मंगल भगवान मंगल भगवान आप मंगल जाई और इस तरह उस सुंदर सहन सब अरे अमीरा भी हो एक बार फिर से गाइए मंगल भगवान नहीं तो लोग बोलते हैं चलो सुंदर धर्म का आदर भी आएगी आदर भी पाप लगेगा आदर कहते
और
उधर बैठ
comenzar a chico que aquí lo va a ver. Y pues ya para echarle un maestro que hiciera, corrí para echarle, ¡vea ahí, hombre! ¡Pachan de traer que ya nada, chao, vamos a echar la vuelta! ¿Sí, Andrea? Sí. Y el que me dejó en su lugar y que ya no tiene idea, dice, usted vaya, y el chico también que dice que viene, dice, ¿será yo? La hizo un pedazo de maná. Dice, me cae, ya hizo otra vez, ahí la tiene, ¿eh? Yo te me cae, ya fui. Pasó el café de mi hermano. Pachazo, pachazo, lo que crees que había, ¿sí, Andrea? Sí, Andrea. A los chuchas, me echó bien padre, me echó bien de grata. ¡Pachone! Y cantaría a ver, me voy a hacer un nuevo porque de energía para echar el kitchen y lo vamos a andar yo, pero no hay que suma, pero no hay que suma. Una ganarte que no caché chalde. La paso de mí que le doy un tiempo, quizá, tu tiempo. Tipo, no, tú, Garibí, Afgana, Cheque, Tama, Polisa. Es una quizá y eché. Το πολύ σκοτήκαν και εγώ το κουκκίνι και ο Μεσάκη καθόλου. Από τα τρίτη και τρίτη στο κουκκίνι αλήθεια, ως λέγα από όλα και άκρη κάτι με βάλα για πρά, που σύμφωνα. Είναι το μοτσί, κάτι, μοτσά, προεκτούμε κοιτσά. Όσο τσά διαβέβαινε το μούδι με λένε κοιτσά, είναι κοιτσά, το μην ερωτήνει τι λάτα. Είπα, μισθουασίου, तो उसने कहा जी मैंने खींचा बोले क्यों खींचा ये तो आपातकालीन है इमरजेंसी में बोले जी ये मेरे को घर फेंकर जाते थे मेरे पास 250 रुपया था वो भी उन्होंने छीन लिया है और आप जहां तो अभी देखिए वो जो बैठा हुआ उसके ऊपर वाले जो कहा था कि जब पुलिस ने हाथ काला निकाला तो 250 रुपया पकड़े गए पांच उतरते उतरते पांचों ने कहा कि भाई हम तो तेरे को फंसाना चाहते थे तूने हमको कैसे फंसा दिया या तो तेरे को कहा दिया है बोले उसी ने मेरे को जाकर बीच में जिसका नाम चल रहा था मैं जिसका नाम चल रहा था उसी ने मेरे को ये बुद्धि दी मुझे श्री राम जय राम प्रभु की कृपा होती है तो बुद्धि मिलती है और जब भगवान नाराज हो जाते हैं ना जा को प्रभु धारण में बुद्धि ही ताकि मति पहले हर आपने सुना नहीं है कि बिना सिखाए निकली तो बुद्धि बुद्धि खराब हो जाती है तो स्वामी प्रसिद्ध जी ने कहा कि बुद्धि आदमी के पास श्रद्धा है उसको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि बिना सरस्वती के कृपा के हो रामायण की रचना नहीं कर सकते कहा रघुपति कह रहे चरित्र की अपार लघुमति मुरली रत संसार कहा भगवान का चरित्र ये शायद इतना है और मेरी छोटी सी बुद्धि मैं कैसे गा सकता हूं रामायण को मां सागे आप कृपा करो और आ करके मेरे हृदय में प्रयास बात हो जब राम कृपा करते हैं तो उसके हृदय में आनंद में सरस्वती को दक्षा करते हैं तो राम कथा में ठीक से कर सकूं सांगो पांच एक सी मां सरस्वती आपको वंदना कर रहा हूं अच्छी बुद्धि के लिए कन्हैयालाल की आप भी कभी कभी ऐसा किया करो हम स्टूडेंट्स को या और भी लोग भ्रमित बुद्धिमान को बताया करते हैं मेरे बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर ने किया ओम सरस्वती देवी विद्या देवी माम गुरु गुरु स्वाहा हे सरस्वती माँ मुझे विद्या देने की कृपा करो विद्या नवे तो हर आदमी को हमेशा चाहिए इसके मतलब इससे बुद्धि बढ़ती है श्री राम जय राम प्रभु से हो जाएगा लड़की तो बुद्धि दाती श्रद्धा है ये जितने कभी लोग होते हैं संगीतकार होते हैं इन सबके इष्ट श्रद्धा है और फिर वंदे वाणी विनायकों गणेश जी की वंदना किया क्यों कि जब कभी भी आप कोई मांगलिक या अच्छा काम करो
you are begun or not. Listen, remember. कोई भी आप काम करते हैं तो कई बार देखा गया कि अच्छा काम है फिर भी बिगन पढ़ता ही नहीं बोलो काम तो पढ़ता है ये तो आएगा तो काम से कबड़ा नहीं करते समुद्र में देखा किसी ने वो ज्वार था ज्वार पर समुद्र का जब पानी आता है ऊपर तक जाता है तब फिर दूसरा आता है तो एक नाव खड़ी थी नाव और उधर से जब तूफान आया तो तूफान में नाव लगा कि डूब गया लोगों ने चिल्लाया नाव डूब गया ये तूफान के ना तो नाव डूब गया तूफान की निंदा की लेकिन फिर ज्वार आया तूफान पानी का तो वो वेलकम सुनो जो डूबी हुई नाव को उभार लाए जो डूबी हुई नाव को उभार लाए अरे खुदा कहे कि वो तूफान बार मार आए तूफान से घबरा ले क्यों तूफान ही तो तुम्हारे शहर और तुम्हारी प्रबलता का पहचान है जो कड़िया ला दी तो कहते डिस्टर्बेंस ये सब कुछ आएगा लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए इससे कोई भी हर्ज न पड़े तो फिर गणेश जी की आप जगह ऐसा करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले बोलो क्यों श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम बाधाओं को दूर करने वाली विभिन्न कार्य की सफलता के लिए आपको मालूम है तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखा तो बड़े सारे विघ्न बाधाएं आई बहुत विघ्न का बड़ा पंडितों ने विरोध किया उसका संक्रम नहीं होगा लेकिन बिना पटना इस बार तो गए जी उन्होंने क्या कि प्रभु सकुशल राम से मानस की कथा मेरी पूरी हो जाए इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं आज प्रणाम करने के लिए नहीं प्रणायाम सिंघाना वशाना छंद सावधी मंदिरा नाम चक्रता रूपंदे वाणी विनाय को ये बातें वहां से श्रोता धीरे धीरे आते जा रहे हैं और निश्चित रूप से नियत रूप जीनत आरती के साथ में ये सब फुल हो जाएगा तो उनको 5% मिला किसी को 10% मिला किसी को 25 मिला किसी को 50 मिला कुछ लोग हैं जिनको 100% मिला सुनने को समझने को तो चलो 95 में से 5% तो रहना चिंता उनकी है जो आरती के टाइम पर या आरती के पीछे आते हैं बढ़िया तो लोग बोलिए तो आरती के पीछे आरती के बाहर का बोले को काम श्री राम जय राम कोई बात नहीं पहले मुझे देख करके निराशा हुई क्या ये तो मंदिर हाउसफुल होता था यहाँ 5-7 आदमी है मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी किसी भगवान से मेरी हाल भी अच्छी है उनके पास केवल एक चिंता सुनने के लिए मेरे पास बहुत है कोई बात नहीं लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो लेकिन हमको आपको देख कर बहुत हर्ष इसलिए नहीं मिले कि पता नहीं आप उठे कब खड़े हो जाए कब खड़े हो जाए क्योंकि जो एवरेज है वो एवरेज है जो बच्चा स्कूल में पहुंचता है मास्टर कहता है कि बाहर हो वो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं बड़े अच्छे मार्क्स बनते हैं जो टेंथ टेंथ स्कूल में पहुंचे बोलते हैं यार लाल की है जैसे भी हो जब भी हो जितना भी हो वेलकम स्वागत है बोल रही है लाल की क्या कर मैं आपसे कह रहा था कि सुनते जाओ और सुनते जाओ और सुन करके भूलते जाओ यार मैंने भी जरूरत नहीं है श्री राम जय राम अच्छे लोग होते हैं जिनका कहना है कि इधर से सुनो और इधर से आप याद तो है बोला बोलो जोर से इधर से सुनो और इधर से अब आपने अगर याद रख लिया तो फिर मैं दूसरी
श्रद्धा मान तो प्रतिज्ञान तत्परा संयत इंद्रिया
Dios te salva de ti, ¿eh? ¿Sí, amén? Sí. Bueno, ¿se llenó? Vaya su hijo. ¡Alpanada! ¿Alpanada, señor? ¿Alpanada? ¿Qué es lo que? एक जगह भगवान ने उपदेश दिया दुर्योधन को
और एक जगह उपदेश दिया भगवान ने कृष्ण कृष्ण ने अर्जुन और अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया कहा दिया कुरुक्षेत्र में था चार कृष्ण थे अठार छोड़ी सेना और युद्ध शुरू हो भगवान कृष्ण ने पांच जन्म उठाया बजाने के लिए उनका युद्ध शुरू तो जैसे शंख बजाने के लिए लिया कृष्ण ने अर्जुन ने कहा गोभी एक बार मैं युद्ध के पहले अपने सामने वाले प्रतिपक्ष को देख लू कि मेरे युद्धांगी ने इस युद्ध रूपी अग्नि ने अपने प्राण की आहुति देने वाले कौन कौन लोग हैं श्री राम जय राम कृष्ण ने अपना रथ आगे बढ़ाया और अर्जुन जब आगे गया तो क्या देखा कि भीष्म पितामह जिनके कौन लोग थे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उससे शिक्षा ली थी और भी लगाने की अपने स्वगर्वों को देख करके बोलो कन्हैया लाल की अर्जुन गर्व से और अर्जुन ने कहा कि कृष्ण वापस चलो युद्ध में जीत करके मैं अपनी संपत्ति जिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था उस सब मैं क्या करूं चलो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब वापस नहीं सकते स्वधर्म नहीं मेरे से आपका धर्म भया हुआ अपने धर्म पर मर गया युद्ध तुमको करना पड़ेगा ये सात सौ श्लोक है इसी बात को लेकर के युद्ध करो और अगर अगर किंतु परंतु चुचे चुनाचे क्वेश्चन आंसर चलता रहा सात सौ श्लोक अठारह अध्याय अठारहवीं अध्याय के छियासठवें श्लोक में कृष्ण भगवान ने उसको जोर किया कि अरे अर्जुन स्वधर्मी विधान से सर्वधर्म परिचर्य वाले कम स्मरण हो जा पूरे पास श्री राम जय राम कचोरी पूरा सुनने के बाद में अर्जुन ने ऐलान किया एक बात अंतर है श्रद्धा अर्जुन ने ऐलान किया कृष्ण तक प्रशांत आपके कृपा से नष्ट हो मेरा वो खत्म हो गया और मैं स्मृति करता मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है इसलिए कृष्ण करिए सी वचन कर जो आप प्रबंध कर सुनिए उपदेशक एक था तब से एक वॉलंटियर वहां बैठना चाहिए और बाद में आने वाले सीजनों को दर्शन करने को जाने का श्री राम जय राम श्री राम जय राम लीजिएगा सचिन कहते के लिए एटमॉस्फियर बड़ा मायने रखता है एकांत जीवजन का घर बड़ा अच्छा एटमॉस्फियर था एकांत था शांत था कोई डिस्टर्बेंस नहीं था ये जो बीच में आते हैं ना मथा चढ़ने वाले वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं श्रोता भक्ता जो कहते हैं हमारी बात ध्यान से सुन रही है जब उसको क्रॉस करते हैं तो वो एक क्षण के लिए भयंकर जाती है बात क्या हो ठाकुर जी के श्रोता में प्रणाम करके और जैसी आदत पड़ी उसे श्री राम जय राम चलो श्री राम जय राम सोचिए उपदेश देने वाले की श्रोता को मैं दुर्योधन और अर्जुन एटमोस्फियर किसका अच्छा था बोलो वही चलता है क्या दोनों भी बोलो आप कहा सुन रहे और एक दुश्मन आपका आ जाए या मध्य को तो सुन गया एक दुश्मन आपका आए आप बैठ जाओ आपने
से आपके लिए मदद है। ये सब बिना भोजन के जाने वाली ही है, बस ये है कि आपके घर बैठे। जयकारा श्री राम जी का। एक दुश्मन को आपने देख लिया, आपने कदा भी सुन रहे हो, मेरे तरफ काट भी रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में मेरी बातें ज्यादा भूल गई कि वो एक दुश्मन नचा के रख देता है और अर्जुन के सामने तो अठारह छोड़ी दुश्मन बैठ खड़े के सामने। देखिए वाह, उससे विपरीत वातावरण में भी अर्जुन कृष्ण की बात को सुना, उसको ज्ञान प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन श्रद्धा ही था और अर्जुन श्रद्धा सम्मान था, श्रद्धा मान रखती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि माँ पार्वती मेरे को श्रद्धा के रूप में, मेरा दिल श्रद्धा से, श्रद्धा का मतलब देखिए आप मंदिर के श्रद्धा के धर्म स्थान धर्म है, इसके प्रति श्रद्धा रखें। धर्म धर्माचार्य संत महात्मा ब्रह्म इनके प्रति श्रद्धा रखें। धर्मोत्सव जो हमारे फंक्शन होते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ये है वो, उसको बड़े आप देखिए तेरा विजय गुरुवार में जाएंगे कि हर फंक्शन में हमारे जो सिख परिवार ईश्वर से बाल बच्चे के साथ सम्मिलित हो गए। आप अपने फंक्शन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, आस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, धर्म स्थान धर्मोत्सव धर्म ग्रंथ धर्माचार्य और इनसे भी बड़े एक देवता है, वो है घर के पेरेंट्स, घर के बुजुर्ग। मैं कहता हूं कि अगर आपने बुजुर्गों का सम्मान कर लिया, अपने माता पिता का कर लिया, सास ससुर का कर लिया, एक बार मंदिर नहीं आपने तो चलेगा। निकल वर्ग की जोश भगवान ने कहा कि ये विचारी जो वृद्ध है, जनों की सेवा परमात्मा जी को तो सबके प्रति आप श्रद्धा रखें, यही रिटर्न में आपको मिलेगा, जो भोग है वही तुमको मिलेगा। तो श्रद्धा के रूप में बात कृपा करो, ऐसा तो शिवा जी ने मां पार्वती को कहा और शंकर जी को कहा कि विश्वास रूप लो हे भगवान शंकर, आप मेरे ऊपर कृपा करो, विश्वास विनोद विनोद कर कॉन्फिडेंस, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं। इसमें क्या है, बोले बिना विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास भगत नहीं, कहीं बिना करो इन राम राम कृपा बिन सपने हो जीवन में विश्राम। श्री राम जय राम, जय राम श्री राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं वो दृष्टि पूरा करने श्री राम जी महाराज जाते, मेरी भी हालत है कभी कभी, मैं भी बोल समझता महाराज जाते चाहे पूजा करते, इसमें दृष्टि होती है। आराम से आप कहते हैं आपके डेकोरेशन अपने बाहर की फिटिंग तो ठीक होगी, अंदर वाला हो जाता ना उसकी फिटिंग के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए जो इंटरनल फूड है प्रेयर, श्री राम प्रेयर पूजा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना जीवन रोगी चाहते हो कि निरोग? जोर से बोलो रोगी होगा, निरोगी होगा। साधु बोले शहर सिवाय साधु की कहा बताना, और रोगी रहना चाहते हैं लोग और हंसना चाहते हो रोना, तुम चाहते हो सुख, बंधन चाहते हो कि मोक्ष, अंधकार चाहते हो कि प्रकाश, स्वर्ग चाहते हो कि नर्क, हंसना चाहते हो कि रोना, क्या बात कितना बढ़िया दिश है, सब बढ़िया बढ़िया ही चाहिए। श्री राम कहेगा कभी न धरती सुगंधी ना चाहती, कुछ है मिलता कुछ है। श्री राम कहेगा
अरे ये सब दृष्टि चाहते हैं पास हो जाए मैं तो मेरी बात सुनो श्री राम जय राम भक्ति जल्दी बोलो क्या करो भक्ति हाँ और भक्ति बिना विश्वास के एक आदमी आया मेरा पुराना श्रोता पर पंजाब की बात स्वामी जी उपाय मैं क्या खा रहा हूँ शांति शांति के उपाय बताओ शांति कैसे मैं क्या पुत्र कुछ और कुछ शांति मैंने कहा बेटा 50 साल हो गया मुझे शांति बने शांति मैं भी तो अभी मुझे ही नहीं मिली मैं जरूर पीछे देखू बोला स्वामी जी चक्र में बैठ दिया गया दस कैसे मैंने कहा अशांति के कारण क्या तेरी पत्नी बोले मां बोले बच्चे बोले राजा का नहीं मैंने कहा काम करता बोले बच्चे तो शांति करा मैंने कहा घर द्वार बोले फर्स्ट क्लास याद आया मैंने कहा सब कुछ है सब कुछ से जो चाहिए कोई नहीं है मैं समझे पूजा कर रहा था कोई भगवान का भरत था वो भगवान को ले तुम्हें क्या चाहता है मांग ले बोले प्रभु जी बहुत सारी चीजें हैं मेरे को बोले फिर जब कल आ जाना आराम से पूरा लिस्ट बना मैं साइन कर दूंगा इसमें नाम वो आया भगवान बोला बोले तू मुझे मेरे मन का लिस्ट बना लिया बोले ये भी चाहिए घर भी चाहिए मन जो कुछ मुझे जब मैं जो है सब चाहिए फिर ये सब लिस्ट जब पढ़ लिया तो वो पहुंचा एक महात्मा के पास के महात्मा उनके बड़े बड़े घर में जाते हैं इनके दिमाग में बहुत कुछ है उसने चेक कराया बोले महाराज इतना है तो सही है कोई बाकी है मेरे शांति से शांति में तो हम पूरा करो बोले बेटा ये तो मेरे ख्याल में कंप्लीट है पर एक तो बताइए सर तुम किस लिए चाहता है बोले शांति बोले वो तो लिखा ही नहीं जहर खाने से आदमी पर किसी ने भी ट्राई नहीं किया
아, 조민숙이 지금 무슨 일이야, 맞대요, 말라라. 그래서 아까 얘기했잖아. 그때 물어봤다. 제일 안 돼. 미리 내니까 죽을 사람이 몰라봐. 그게 제일 힘이야, 아빠한테. 제일 안 돼. विश्वास करने के जमाना नहीं है, फिर भी कैमरा पड़ता है। गोविंद महाराज जी, मैंने जगह देखा दिल्ली के समय में ऐसे विकास कर रहा था, बात तो करो पटी है, रोड के किनारे नाई बचे थे और नाई चूरा तैयार कर कुछ लोग बाल भुटवाने के लिए बैठे थे, कुछ लेबर अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए बैठे थे, हर नाई के सामने उसके कस्टमर बैठे थे और नाई चूरा तैयार कर रहा और वो बोलो ना, नाई पर विश्वास है लेकिन बोलो ना, अरे नाई पर विश्वास नहीं रहा तो दाढ़ी साफ होने वाला तैयार कर रहा और ऊपर देख रहा है वो सर झुकाए बैठा है और वो तैयार कर रहा है। कदम कदम पर विश्वास बहुत जरूरी है और खास करके कृष्ण जीवन वाली पत्नी का जो है इसमें बहुत जरूरी है कंप्लीटली सेंटर लेफ्ट कंप्लीटली सेंटर टू बोथ। इच्छा रखते हो समर्पण करो ना, खुद समर्पण और बिना विश्वास के हो सकता है। जीना जयना भगवान शंकर विश्वास के ऊपर भगवान की बात मेरे ऊपर विश्वास के रूप में बोल कन्या राम की जय। श्री राम जय। ये सत्संग हमारा आज भी चलेगा, तीन चार मिनट और शंकर जी क्या है विश्वास विश्वास करो और वो आप रहो आशीर्वाद ना फिक्र करो। आपने अच्छा बोला, इतने लोग माँ पार्वती श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है और उसी विश्वास के रूप में शंकर जी की पूजा होती है। कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसकी पूरे चक्कर के साथ तीन फिर पूजा होती है। राम जी की पूजा होती है जो लोग उसकी पूजा कहीं नहीं है, पिता दशरथ जी की पूजा कहीं नहीं है, अयोध्या में जो कृष्ण जी की पुत्र या उनके पिता कहीं नहीं है ना, लेकिन शिव जी अकेले पूजा शिव जी की होती है। मेरा काम जो सकार है कल पूरे हो सकार है और मेरा काम शिवलिंग शिवलिंग तो प्रमाण का प्रतीक है, तो प्रमाण गोल है और शिवलिंग भी गोल है, तो शिवलिंग की अगर हमने पूजा कर ली तो समझो कि 33 कोटि देवी देवता ने ब्रह्मांड में सभी पूजा हो गई। मेरा काम साकार शिव और पार्वती दोनों की पूजा होती है, अलग अलग भी माता रानी की पूजा होती है, गौरी के पूजन पत्नी की पूजा होती है, पति की पूजा होती है, उनके दो बेटे गणेश बिना उनके तो काम ही नहीं चलता, गणेश की पूजा होती है और गणेश के साथ कार्तिक भगवान की पूजा होती है, बाप पति की भी पूजा, पत्नी की भी पूजा और पुत्रों की भी पूजा, और पुत्रों की नहीं पुत्रों की पत्नी शंकर जी की बहू में उनकी भी पूजा होती है और यहां तक कि मुझे जो पोतरे हैं गणेश सर गणेश के दो पुत्र हैं शिव और लव इनकी भी पूजा होती है। श्री राम जय। एक ही उदाहरण है शंकर जी का सपरिवार इंद्र का शिव परिवार की स्थापना होती है, क्यों शंकर जी विश्वास है बड़ा विद्रोह शंकर जी परिवार तीसरा नेत्र और ऊपर पानी गंगा जी सोच रही कि मैं अग्नि को बुझा अग्नि सोच रही है सोच रहा है कि मैं पानी को जला दू दोनों अपुषण गले में सांप जहर यहां पर चंद्रमा अमृत जहर और अमृत क्या संतुलन बनाया गया है श्री राम जय गले में सांप और सांप को खाने वाला कार्तिक बड़े बेटे की सवारी बोर दोनों दुश्मनी सांप खाता चूहा गणेश की सवारी चूहा सांप की नजर उस पर है
सब खाओ 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 एक दूसरे को खाने वाले फिर भी स्वामी की पूजा होती है क्यों इसलिए क्योंकि हे राधे फैमिली जो शिव जी हैं शंकर जी हैं उनके सर पर क्या है बोलो गंगा गंगा का मतलब शीतल इतना कुछ है लेकिन फिर भी मुखिया जो हे राधे ठंडी है माथा ठंडा है गंगा जी का ही मतलब ठंडा और माथा ठंडा हो तो पूछो ही मत पांव गर्म पेट गर्म सर ठंडा डॉक्टर आए तो दिखाओ ठंडा ये कुछ है तो बच्चे बहुत गर्म पेट गर्म सर ठंडा अब प्रश्न ही किया तो उल्टा हो गया बहुत ठंडा और सर जो ठंडा नहीं था उल्टा हो गया सिर स्वस्थ कर ये सब अनबैलेंस जो बता रहे हैं उन सबको सुधारना है प्रभु की कृपा अतः भक्ति भक्ति का मतलब विश्वास शुक्र जोता जी को मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धा विश्वास करते सजीव ये जो कथा चलेगी आगे मंगलवार